नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुप्तकालीन रचनाएं एवं उनके लेखकों के बारे में। अभिजान सांकुतलम, विक्रमवर्म, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूतम और ऋतुसार, ये सभी रचनाएं कालिदास की है। तो कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? अभिजान सांकुतलम, विक्रमवर्म, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूतम और ऋतुसार। रचनाओं में दूसरा नाम आता है विशाखलक्ष का, जिनकी है मुद्रा राक्षस और देवीचंद गुप्तम। तो मुद्रा राक्षस और देवीचंद गुप्तम विशाखलक्ष की है। और तीसरा है शूद्र की मृच कटिकम। तो मृच कटिकम किसकी? शूद्र की। अमरकोश अमर सिंह की है। तो अमर सिंह की कौन सी रचना है? अमरकोश। और भरत मुनि की नाट्यशास्त्र, तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि की है। और कामसूत्र वात्स्यायन की है, तो वात्स्यायन की कौन सी रचना है? कामसूत्र। और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है, और तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। तो नीतिसार कामंडक की है, तो कामंडक की नीतिसार। तो एक बार वापस पढ़ लेते हैं। अभिज्ञान संकुतलम, विक्रमोवच्चे, मालविकाग्निमित्रम, भगवान, कुमार संभव, मेघगुतम और ऋतुसार, ये कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षस और देवीचंद गुप्त विशाखलक्ष, मृच कटिकम शूद्र, अमरकोश अमर सिंह, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, काम त्रिवाच्य, पंचदत्त विष्णु शर्मा और निधि का मंदिर।